पर्याप्त हो सकता है, लेकिन उससे हमें कोई खुराक नहीं मिलने वाला, न बौद्धिक न ही किसी प्रकार का खुराक। मेरा ये आज प्रस्ताव है कि जो अपने आप को गांधी से प्रेरित समझते हैं और कभी कभी अपने आप को गांधीवादी कहने की भूल भी कर लेते हैं, उन सबको आज अपने आप से खुद से यह प्रश्न करना पड़ेगा कि हम क्या अपने आप पर वो काबू ला चुके हैं जो कि हम औरों में देखना चाहते हैं। हमें उसका जवाब मिलेगा कि शायद नहीं। मैं अपने बारे में ज़रूर कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। आज हर आदमी, राजनीतिक आदमी, औरों पर आरोप लगाने में बहुत दक्ष हो गया है, लेकिन स्वराज का जो मतलब होता है अपने स्वयं पर राज, उससे वो बहुत दूर है। और अगर यही चलता रहे तो आवर नेशन विल बिकम अ चेंबर ऑफ एक्यूजेटिव एंड कंटेंकरस पॉलिटिकल एंटिटीज हु आर बेंट एट शोइंग द अदर टू बी इविल एंड ऑफरिंग नो सॉल्यूशन एट ऑल। क्योंकि जब भी कोई किसी पर आरोप लगाता है तो उस पर एक काउंटर आरोप लगता है। कोई आज नहीं कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है, मैं गलती कबूल कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। चौरी चौरा से हम सब वाकिफ हैं। सारे कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को गांधी ने ऐसा सदमा दिया चौरी चौरा के बाद सत्य आंदोलन को रोक कर कि वो उससे बहुत समय तक रिकवर नहीं हुए। देर आर द इक्विवेलेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ ए हिमालयन ब्लंडर बीइंग कमिटेड बाय एवरी पॉलिटिकल एंटिटी and political party and what call themselves social movements, but no one owns a mistake. चार चीज़ें थीं जिसके लिए गांधी को एकदम अनूठा माना जाना चाहिए। He was not afraid of death. 30 जनवरी को हम वो याद रख सकते हैं। He was not afraid of defeat. He was not afraid of looking foolish. And fourth, most important, he was not afraid of owning a mistake. आज इन चारों को अगर हम लें मापदंड के तौर पर और पूछें कि कौन है जो कि ही not afraid of death, defeat and looking foolish and most important, not afraid of owning a mistake, बहुत कम मिलेंगे। इसी में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। एक पांचवा गुण उनमें था जो कि आज गायब है, हमारे बीच से बिल्कुल गायब, और वो खुद को, समाज को कड़वे सच सुनाने का, जो भी हम कहें, शक्ति कहें, ताकत कहें, आदत कहें, तकनीक कहें, जो भी। एवरी सिंगल टाइम we find a great joy
in identifying the mistakes of political parties and of state governments and the central government, we can ask ourselves whether we have contributed to the error or the mistake that is being pointed out. We will not do that. And nobody in politics will ever ask us to do it, because they regard all of us as their vote banks. कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं हारूं तो हारूं, मैं अगर आपका स्नेह लुटा दूं तो लुटा दूं, लेकिन मैं सच जरूर कहना चाहता हूं दैट वी एज ए पीपल हैव आल्सो लेट आवर कंट्री डाउन. ये आज कोई कहने को तैयार नहीं. मेरे एक बहुत पुराने मित्र अन्य देश में हमारे सफीर हैं, उनका मुझे दो दिन ही पहले ईमेल आया था कि जब मैं सुनता हूँ यहाँ उस देश में कि क्या दिल्ली में और दिल्ली जैसे भारत के अन्य नगरों में महिलाएं, विशेषकर बाहर से आ रही महिलाएं इंतहा एकदम असुरक्षित हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? ये भारत की आज एक पहचान है दुनिया में. भ्रष्टाचार के दो पक्ष होते हैं, जो भ्रष्ट है और जो भ्रष्ट को भ्रष्ट बनाता है या बनने देता है. दूसरे पक्ष को हम कबूल नहीं कर रहे हैं. और तीसरा, पीड़ित वर्गों के राजनीतिक समर्थन को प्राप्त करने के लिए उस पीड़ा का जो उपयोग हो रहा है उससे हम परिचित हैं, पर उस पीड़ा को दूर करने के लिए ठोस काम कई लोग कर रहे हैं जो कि अपने आप को गांधीवादी नहीं बनाते हैं, बतलाते हैं, पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, उनके नामों से हम लोग परिचित भी नहीं हैं. जो गांधी का काम आज देश में हो रहा है वो खास करके उन लोगों से हो रहा है जो कि अपने काम को गांधी का नाम नहीं दे रहे हैं, जो कि अपने आप को गांधी के नाम से स्वयं परिचित नहीं कर रहे हैं, जो कि अपने काम में रत हैं. हर राजनीतिक दल किसी न किसी नेता के नाम का उपयोग कर रहा है. गांधी का नाम परसों से उपयोग होता आ रहा है. बाबा साहेब का नाम राजनीतिक दलों में देश भर में उपयोग हो रहा है, कोई नेताजी के नाम से, कोई बाबा साहेब के नाम से, और आज अचानक इतने सालों बाद सरदार पटेल का नाम राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग हो रहा है. किसी ने बहुत अच्छी तरह सही कहा है कि दिस यूज ऑफ द नेम ऑफ ग्रेट आइकन्स हु आर नॉट अलाइव टुडे इज द इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी स्नैचिंग फ्रॉम ग्रेव्स. ये बिल्कुल सही. कौन कह सकता है कि ये जो नेता है, ये जो नेतागण है, वो अपने इस नाम के उपयोग से संतुष्ट होंगे? कोई नहीं कह सकता, लेकिन वो नाम उपयोग हो रहे हैं. ये अपने में एक भ्रष्टाचार है. इस प्रणाली की शुरुआत गांधी जी के नाम के दुरुपयोग से ही हुई, इसके बारे में कोई संदेह नहीं. देश भर में यह होता रहा और उसकी प्रतिक्रिया होती, उसकी
प्रतिध्वनि हम आज सुन रहे हैं कि बाकी अन्य नाम उसी तरह उनका उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। दिस इज अनदर ग्रेट फीचर ऑफ द सीजन ऑफ डार्कनेस इन आर टाइम्स, कि हमें खुद की कोई ज्योति मिल नहीं रही है। पुरानी ज्योतियों को हम सुलगा सुलगा कर उसी के प्रकाश से अंधकार में अपना राह ढूंढ रहे हैं। आकाश में बुझे हुए सितारों की रोशनी से अंधकार में अपना राह ढूंढ रहे हैं। दुनिया की बात जरा भिन्न है। दुनिया में आज महात्मा गांधी का नाम समकालीन नाम है, भारत में वो पुरातनी नाम है। हम उनकी छवि के सामने दीप शिखा को प्रतिज्वलित कर पुष्पार्पण कर साल में दो बार आत्मतुष्टि पा लेते हैं। लेकिन दुनिया में, विश्व में पर्यावरणीय जो आंदोलन चल रहे हैं वो गांधी के तिलस्म से ऐसे प्रेरित हैं कि हम जानते नहीं हैं। सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टी को जोड़कर भारत में जो गांधी ने चमत्कार किया था वो दुनिया भर में आज एनवायरमेंटल कॉजेज के लिए गांधी सक्रिय काम कर रहा है आज भी, ये हम नहीं जानते हैं और हम ये नहीं पहचानते। और जो मैंने कड़वी दवाइयों की बात करी, कोई भी आज हमें यह नहीं कह रहा है कि हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ भूल कर रहे हैं इन द मैटर ऑफ एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस, इकोलॉजिकल विजडम, कोई नहीं कह रहा है। और न ही कोई राजनीतिक कहेगा, क्योंकि कौन राजनीतिक कहेगा कि हमें पानी और बिजली का दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी बचत करनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि आप करते रहिए उसका उपयोग, कीमत हम देख लेंगे। हमारे कॉरपोरेट सेक्टर को हमें कई बधाइयां देनी चाहिए निस्संदेह। आज इंडियन एंटरप्राइज ने हमारे लिए जो कुछ किया है हम सब उससे वाकिफ हैं। लेकिन जिस प्रकार हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमारा ही कॉरपोरेट सेक्टर खोखला बना रहा है, उसके बारे में कोई कॉरपोरेट सेक्टर को चेतावनी देने के लिए तैयार नहीं, कोई राजनीतिक दल देने को तैयार नहीं। शायद एक आध हो सकते हैं एक्सेप्शन। हम जानते हैं कि हमारे खानों का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, हमारे खनिज पदार्थों का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन कौन है जो कि आज यह सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आर माइंड्स, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ आर मिनरल रिसोर्सेज, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ मच आर यू गोइंग टू यूज टूडे, टुमारो, द डे आफ्टर, इन ए वे इन विच आर फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो बी लुकड आफ्टर, कोई नहीं पूछ रहा है। कोलकाता में मैंने कोई 50 बड़े कॉरपोरेट्स को एक पत्र लिखा कि बचत करके भी कोई चीज़ होती है। आप मुझे ये बताएं कि बिजली और पानी, बाकी आपके मिनरल रिसोर्सेज, आपके रॉ मटेरियल्स पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मात्र बिजली और पानी पर आप मुझे बताएं कि आप जिस तरह उसका, उन इन दोनों चीज़ों का जो उपयोग कर रहे हैं, क्या वो सही मात्रा में कर रहे हैं, आवश्यकता के अंदर या आवश्यकता से ऊपर? और अगर आवश्यकता से ऊपर कर रहे हैं तो आप कितनी बचत कर सकते हैं? ये जो हमारा जो प्रदेश है वो
बिजली डेफिशिएंट प्रदेश है, तो आप बताएं जिस पते से मैं लिख रहा था उस पते की कुछ गरिमा है। आपको ताज्जुब होगा कि मुझे एक कॉरपोरेट हाउस से एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिला, और वह इसलिए कि वो जानते थे कि राज्यपाल जो होते हैं वो तो अलंकार मात्र होते हैं, राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो ही निर्णायक होते हैं। इनको हम जवाब देकर क्यों अपना समय व्यर्थ करें? पानी की बचत न करें, हम समय की बचत करते हैं, इनको जवाब नहीं देते। मुझे एक सभ्य महिला, वहाँ कहना चाहिए भोद्रो महिला, का एक बार बहुत प्यारा सा पत्र मिला। आई एम ऑनर्ड सर टू बी राइटिंग टू द फिगर हेड ऑफ द स्टेट। तो कॉर्पोरेट्स जानते कि फिगर हेड कौन है, असली सत्ता किसके हाथ में है। तो किसी ने मुझे बचत के बारे में जवाब दिया। हमारे द्वितीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1967 में अपने गणतंत्र दिवस अभिभाषण में कहा था, 67 की मैं बात कर रहा हूँ, ही वॉर्न्ड द कंट्री अगेंस्ट ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड वाइड स्प्रेड इनएफिशिएंसी। उसके मुकाबले आज अगर होते हमारे साथ तो राधा कृष्ण शायद एकदम मौन हो।